अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत स्पेशल, बहुत यूज़फुल और बिल्कुल भी स्किप करने वाली नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि इस मौसम में हर तरफ बेतहाशा मक्खियां, मच्छर और ऐसे छोटे छोटे कीड़े हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा तंगी का और इरीटेशन का बाइस बनते हैं। चलिए आज हम इनसे निजात के लिए एक बहुत स्पेशल DIY होम रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो यकीनन आप सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इसके लिए मैंने ले लिया क्वाइल, वो जो हम कोई मोर्टीन या किसी भी ब्रांड की क्वाइल यूज़ करते हैं, उसके जो छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं, आज से उन टुकड़ों को बिल्कुल भी नहीं फेंकना। उनके मैंने कर लिए मज़ीद छोटे छोटे टुकड़े, उनको मैंने डाल दिया एक जिप लॉक बैग में ताकि मैं इनको मज़ीद क्रश कर सकूँ। यकीन करें फ्रेंड्स, ये इतनी अच्छी टिप है कि अगर आप इसको किसी भी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे मक्खियों का बहुत ज़्यादा आना जाना है, क्योंकि जिन घरों में बच्चे हैं, जब भी वो कोई फूड वगैरह खाते हैं उसके छोटे छोटे ज़रात नीचे गिर जाते हैं, जिन पे ये मक्खी मच्छर तो बड़ी दिलेरी के साथ हमला करते हैं। मैंने इनको एक छोटे से जिप लॉक बैग में डाल के मज़ीद हैमर की मदद से क्रश कर लिया। आप ये काम उस वक्त करें जब बच्चे आपके पास बिल्कुल भी ना हो, ताकि गलती से भी वो कोई इसका टुकड़ा उठा के मुंह वगैरह में ना डालें। बेहतर ये है कि जब वो घर से बाहर हों या रात के वक्त आप ये रेमेडी तैयार कर सकती हैं। ये देखें, मैंने उनको अच्छी तरह मज़ीद कर लिया क्रश। अब मैंने ले लिया एक शीशे का बॉल। मैंने एक तो बर्तन घर में ऐसे रखे होते हैं, अगर मैंने कुछ उनमें इस तरह का काम करना हो ताकि वो मेरे काम आ सके, या अक्सर को घर में क्रैक वगैरह बर्तन पड़े होते हैं, आप उनमें से एक दो जो कम क्रैक वाले हैं उनको इन कामों के लिए रख दें। इस हरे पाउडर को डाल के मैंने डाल दिया एक बड़ा चम्मच भर के दानेदार चीनी का, साथ मैंने डाल दिया एक छोटा चम्मच पानी का ताकि चीनी और इसको डिजॉल्व होने में ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े। इस सारे मिक्सचर को मैं अच्छी तरह कर लूँगी मिक्स। यकीन करें फ्रेंड्स, ये ऐसी ज़बरदस्ती रेमेडी है कि अगर आप इसको बना के किसी भी जगह पर रख लेते हैं, उस टोटल एरिया में मक्खी मच्छर का दाखला ममनू है। अब इसको हम ज़्यादा खुशबूदार और अच्छा बनाने के लिए, ताकि जब कमरे में हल्का वगैरह पंखा चल रहा हो तो हर तरफ एक बीनी बीनी खुशबू आए। इस रेमेडी की ऐसा अपनी कोई स्मेल नहीं है, लेकिन मक्खी मच्छरों को ये स्मेल बहुत महसूस होती है। अब ये करेंगे कि इसको किसी ऐसे छोटे से कंटेनर में, किसी ऐसी डिबिया में डाल के रख देंगे जिनके दाएं बाएं सुराख हों। अगर आपके पास कोई इस तरह की डिबिया नहीं है तो आप जैम की या किसी मसाले की छोटी सी डिबिया लेके उसके लिड पे छोटे छोटे सुराख कर सकती हैं, ताकि इनकी खुशबू से आसानी से रिलीज होती रहे। मैंने इनको डाल दिया एक छोटी सी मार्बल की डिबिया में। ये डिबिया मेरी फेवरेट है और मैं इसी पर्पज़ के लिए इसको करती हूँ यूज़। जी गर खुश इसको खुशबूदार बनाने के लिए हम कोई भी अपनी मर्ज़ी का कंफर्ट यूज़ कर सकते हैं। कंफर्ट भी यकीन करें बहुत हेल्प करता है इन मक्खियों और मच्छरों को भगाने में। अब मैंने लगा दिया इस पर लिड और मैं किसी ऐसी जगह पर इसको रख दूंगी जहाँ पे मक्खियों और मच्छरों का बहुत ज़्यादा गुजर है, जहाँ वो इलाका, वो घर की ऐसी स्पेस जो मेरे ज़्यादा यूज़ में है और मैं इनसे काफ़ी इरीटेट होती हूँ। आप मेरी इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें और अपने आप को सेफ और सिक्योर करें। ये देखें जी, हमारी होम रेमेडी तैयार है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये मेरी आज की ये हैक पसंद आएगा। पसंद आए हो तो लाइक कीजिए और आगे शेयर इस नीयत से कीजिए कि आपका भला हुआ है और सबका भी भला हो। मुझे दीजिए इजाज़त।